हेलो बच्चों, कल से जब से ऑफिशियल आंसर की आया है तब से काफ़ी बच्चे परेशान हैं और वो फ़ोन करके और मैसेजेस करके ये पूछ रहे हैं कि ये जो ड्रॉप क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है, क्या ये बोनस है, क्या ये सबको मिलेगा या क्वेश्चन ही सिंपली ड्रॉप कर दिया गया है। तो उसमें फाइनल क्या होगा ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट लॉजिकली दिक्कत क्या क्या है इसमें, इसीलिए शायद रिजल्ट डिले हो रहा है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से मार्किंग जैसे देना चालू करेंगे, किसी ना किसी क्लास ऑफ बच्चों के साथ तो अन्याय हो ही जाएगा और फिर रायता फैल जाएगा। बच्चे ज़रूर बोलेंगे कि ये कैसे हो गया, हम नुकसान में रहे, तो इसीलिए शायद रिजल्ट इतना डिले हो रहा है। अब लॉजिकली व्हाट दे विल फॉलो या दे शुड फॉलो इन माय ओपिनियन, या वो क्या करेंगे फाइनली, ये मैं बता देता हूँ कि अगर ड्रॉप क्वेश्चन है पहले 20 क्वेश्चंस में तब तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उस ड्रॉप का मतलब क्या है कि सिंपली अगर एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया किसी भी पेपर में पहले 20 क्वेश्चंस में से, ये ठीक है, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन जो पहले 20 मैंडेटरी क्वेश्चन थे उसमें से अगर हम किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दें तो वो सभी के लिए एक जैसा हो गया, ठीक है। मतलब भले ही उसमें सबको मार्क्स दे दो भले ही नहीं दे दो, क्योंकि रिलेटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि अब जो है अगर केवल एक ही क्वेश्चन वो पहले 20 क्वेश्चन में ड्रॉप हुआ है तो अब 300 की बजाय 296 मार्क्स का पेपर हो गया सबके लिए। ये तो हो गया फर्स्ट 20 क्वेश्चन में, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात कहाँ पे है कि जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस थे उनमें अगर कोई दो क्वेश्चन किसी किसी पेपर में, जैसे 24 की सेकंड शिफ्ट में दो क्वेश्चन को उन्होंने ड्रॉप बोला है, उनमें दिक्कत क्या है, उसी की वजह से शायद उनको इतना टाइम लग रहा है कि उसमें बेसिकली ऑप्शंस हैं। तो एक बच्चा ऐसे हो सकता है जिसने उनमें से उन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी 5 क्वेश्चन किए हैं और सही किए हैं, दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसने उन दोनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, उसमें टाइम वेस्ट किया है और उसने अटैम्प्ट करके भी आया, कुछ मार्क आंसर लिख के भी आया। तीसरा बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसने उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया उसमें अपना टाइम वेस्ट किया, फाइनली उसने आंसर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन गलत था तो उसने कुछ आंसर लिखा नहीं। यहाँ पे रायता फैल गया है। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर वो उन दो क्वेश्चन के मार्क्स सभी को दे दें तो हो सकता है कि जिस बच्चे ने पहले वो दो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ही ना हो उसके ऑलरेडी 300 मार्क्स आ रहे हों, तो उनको हम 8 मार्क्स और दे दें तो उनके 308 मार्क्स हो जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा, अगर जिस केवल उन बच्चों को मार्क्स दे जिन्होंने कुछ लिखा है वहाँ पे अटैम्प्ट किया है, तो कुछ और बच्चे क्या बोलेंगे कि यार हमने भी अटैम्प्ट किया था बट क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था इसलिए हमने नहीं लिखा, बट हमारा टाइम तो हमारा भी वेस्ट हुआ तो हमारे साथ जाती हुई है। तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि जिन्होंने केवल अटैम्प्ट किया उनको मार्क्स दे दें। मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट दे विल डू कि वो जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, मतलब लास्ट के 10 क्वेश्चन में से मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट के जो दो क्वेश्चन हैं उनको अगर उन्होंने ड्रॉप किया तो सिंपली अब वो ऐसे बोलेंगे अगर और कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं है तो कि उन क्वेश्चन को भूल जाओ, अब ये जो 28 क्वेश्चन बचे इसमें से जो 25 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। अब ऐसा करने पे जिन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा वहाँ टाइम वेस्ट किया होगा उनके साथ डेफिनेटली जाती होगी, बट इसका वो शायद एक्सप्लेनेशन ये देंगे, ये ठीक है, विच मे नॉट बी वेरी लॉजिकल, कि यार ये तो हमने एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया था जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन थे ना, तो तुम्हें उन दोनों को छोड़ के बाकी 3 में मान लो तुम्हें फैसिलिटी बाकी 3 क्वेश्चन की मिली, और अगर तुमने क्वेश्चन गलत था तो तुमने आंसर निकाल कैसे लिया, इस तरह की वो इलॉजिकल बातें करेंगे। बट डेफिनेटली जिन बच्चों ने उसमें टाइम लगाया होगा उनके साथ तो ये जाती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, अगर एक शिफ्ट के बच्चों को 3 ही ऑप्शन मिला, दूसरे शिफ्ट के बच्चों को 5 ऑप्शन मिला, तो जो उनको तो मज़े आ गए ना जिनको 5 ऑप्शन मिला विज़ विज़ आपस में, अब वो भले ही ये बोलेंगे इस शिफ्ट के सभी बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो सभी के मार्क्स उसी हिसाब से स्केल डाउन हो जाएंगे, बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई होगा उन बच्चों को, मतलब होगा क्या, डेफिनेटली होगा जिन्होंने उसके ऊपर टाइम वेस्ट किया और फिर वो अटैम्प्ट करके आए हैं, ये ठीक है, उनके साथ कुछ तो जाती हुई ही है। बट इसमें आई विल से कि यार नेगेटिविटी छोड़ो, जो तुम्हारे हाथ में बात नहीं है वो उसको बारे में भूल जाओ, ये जो फरवरी मार्च वाला जो अटैम्प्ट है वो बहुत नियर है, आगे की तरफ फोकस करो, आगे के जो 3 अटैम्प्ट हैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। और दूसरा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि मेरे को पता था कि इस तरह की दिक्कत होगी, इसीलिए जो हम शॉर्ट्स बनाते हैं ना पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टिप्स क्या होनी चाहिए, मैंने एक पर्टिकुलर, अभी जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, हमने एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट बनाया था, छोटा सा वीडियो 1 मिनट का, कि आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चन, उसमें मैंने इसी बात पर स्ट्रेस दिया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन तुमने ट्राई करना चालू किया तुम फंस गए तो उसको तुरंत छोड़ दो, ये ठीक है, क्योंकि अगर मार्क्स दे मिलेगा तो मैक्सिमम 4 मार्क्स मिलेगा बट वो टेम्पो तुम्हारा बहुत मार्क्स का खराब कर देगा,
ऐसा हो सकता है, और वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ये बात बोली थी कि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो वही हो गया। इनफैक्ट मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए थैंकिंग फ़ोन कि सर हमने वो वीडियो देखा और उसकी वजह से ही मैंने इन क्वेश्चनों पे नहीं अटका, जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम बच गया और मैंने बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो आई विल से अगर तुमने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की टिप्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल भी ओपन करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2-3 साल तक मेहनत की, दिन और रात पागलों की तरह पढ़ रहे हैं और फिर NTA की बेवकूफ़ी की वजह से हम पे करें। तो इस तरह की जो पास्ट में भी इसने इस तरह की गलतियां की हैं तो वो हम अपने एक्सपीरियंस से बच्चों के साथ लगातार शेयर करते रहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हो इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को, और पास्ट को भूल जाओ, आगे की तरफ देखो, आगे के लिए मेहनत करो। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे ना इसके बारे में, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है या होगा किसी भी तरीके से, वो मार्किंग देते किसी न किसी के साथ तो अन्याय हो गया होगा, तो अगर तुम जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी और अगले वाले एग्ज़ाम भी फिर उसके लिए तुम्हारे अफेक्ट हो जाएंगे। लाइफ में ये सब चलता रहता है, लाइफ इज़ नॉट फेयर। तो आगे के जो तुम्हारे हाथ में उनमें अच्छा करने की कोशिश करो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल से कि लुक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ऑसम। ऑल द वेरी बेस्ट।